अरे फ्रूट्स वाला आया भैया, फ्रूट्स वाला, फ्रूट्स ले लो भैया, फ्रूट्स एकदम ताजा ताजा, मस्त मस्त, रसीले रसीले फ्रूट्स। भैया जी फ्रूट्स खाओगे तुम? हेलो भाई फ्रूट्स खाओगे? अबे यार ये लोग अपनी बात ही कर रहे हैं भाई, पता नहीं इन लोगों को मेरी फ्रूट्स चाहिए या फिर नहीं। वैसे गाइस आप लोग देख रहे हो आज सुबह सुबह आकर भाई अपने मोहल्ले के पास में यार फ्रूट्स बेच रहा हूँ मैं। दरअसल गाइस यार सिंचन और मैंने मिलकर यार एक बड़ा सा स्टार्टअप चालू किया है, जिसके अंदर गाइस यार हम लोग यार सिंचन के मम्मी पापा से गाँव से बहुत सारे फ्रूट्स मंगवाते हैं और उनको महंगे दाम में यहाँ पर लॉस सेंटर्स के अंदर बेच देते हैं। इससे गाइस यार हमारा बड़ा मुनाफा तो बनता ही है। बट यार साथ ही साथ तुम्हें पता गाइस, हम लोगों ने साथ ही साथ हमारे घर के सामने एक बड़ा सा फ्रूट स्टॉल भी खोल दिया यार। भाई तुम्हें पता यहाँ से आते जाते जितनी भी गाड़ियां जाती ना भाई, बहुत सारे लोग आकर हमसे फ्रूट्स खरीद ले। बट यार गाइस आपको पता है साथ ही साथ हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया वाला डिलीवरी सर्विस भी चालू की है, जिसके अंदर गाइस यार सिंचन जाता है लोगों के घर पे सारे के सारे फ्रूट्स डिलीवर करने के लिए। और गाइस यार साथ ही साथ मैं अपना छोटा सा पिकअप ट्रक उठाता हूँ और जाता हूँ दूसरे मोहल्ले के अंदर घूमने के लिए, वहाँ पर फ्रूट्स बेचने के लिए। बट यार पहले तो गाइस यार मैं काम करता आप सभी को अपना फ्रूट स्टॉल दिखाता भाई, वो तो एकदम ब्यूटीफुल दिखता है यार। पर फ्रूट स्टॉल किसी ने अपने घर के सामने बनाया भी नहीं होगा। ये देखो गाइस ये रहा अपना फ्रूट स्टॉल। और एक सेकंड भाई सिंचन यहाँ पर है नहीं है। अबे यार ये सिंचन लगता है भाई इस बार भी खेलने चला गया। अब नहीं भाई कल सिंचन तो फ्रूट डिलीवर करने गया है सुबह सुबह, इसलिए तो भाई उसने मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया है। अच्छा डिलीवर करने गया है तब तो अच्छी बात है। वैसे गाइस यार तुम लोग देखो भाई मेरे पास कितने सारे फ्रूट्स है भाई, और यहाँ पर तुम लोग देख ही सकते हो यार कितने सारे फ्रूट्स है यार। और भाई कितना बड़ा वाटरमेलन यहाँ पर रखा हुआ है। एक काम करूंगा भाई, शाम को एक अपने लिए बढ़िया सा वाटरमेलन काट के खाऊंगा। वैसे भी यार गर्मी कितनी ज्यादा हो रही लॉस सेंटर्स के अंदर। अब हाँ भाई कल एक काम करो अभी काट दियो भाई, मुझे तो बड़ा मन कर रहा है वाटरमेलन खाने का। अबे हाँ हाँ भाई थोड़ी देर बाद काटेंगे। बट यार ये सिंचन अभी तक आया नहीं, समझ नहीं आ रहा यार कहाँ पर ये। अब कल बस 5 मिनट पहले गया, वो आता ही होगा। अच्छा ठीक है भाई। वैसे गाजर आप लोग देख रहे हो हम लोग यार अपना गुजारा करने के लिए भाई कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए गाजर एक काम कर दो भाई अभी का भी वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और यार गाइस जब तक सिंचन आता है उससे पहले यार गाइस मैं आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट देना चाहता हूं अपने इन वीदियोस के अंदर। तो गाजर आज का अपना पहला शाउट आउट जाता है अपने अतीब भाई को, इनका बर्थडे आता है 5 सितंबर को। तो अतीब भाई आपका बर्थडे बड़ा लेट आने वाला है, फिर भी यार अतीब भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको यार मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट। और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे एडवांस आपके बर्थडे के लिए। और गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है अपने अनमोल भाई को, इनका बर्थडे आता है 2 सितंबर को। तो अनमोल भाई आपका भी बर्थडे बड़ा लेट आने वाला है, फिर भी यार अनमोल भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको भी यार मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट। और भाई एकदम बढ़िया हैप्पी बर्थडे एडवांस आपके बर्थडे के लिए। और गाइस अपना आखिरी शाउट आउट जाता है अपने गुज्जर भाई को, इनका बर्थडे आता है 8 दिसंबर को। तो गुज्जर भाई आपका बर्थडे भी यार बड़ा लेट आने वाला है, फिर भी यार गुज्जर भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको भी यार मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट। और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे एडवांस आपके बर्थडे के लिए। बट यार गाइस आपको भी मेरे वीडियोस के अंदर से शाउट आउट चाहिए तो एक काम कर देना भाई अभी के अभी इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और यार कमेंट के अंदर अपना नाम और अपनी बर्थडे जरूर लिखना, ताकि गाइस यार मैं आप सबको एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट दे सकूं अपने इन वीडियोस के अंदर। बट आओ गाइस अभी एक काम करते हैं, सिंचन का इंतजार करते हैं, उसके बाद में भाई मस्त तरीके से वाटरमेलन काट के खाएंगे भाई, मजा आने वाला है आज तो। बट यार पहले तो भाई आते जाते लोगों को बता दो कि भाई यहाँ पर मैं फ्रूट्स बेच रहा हूँ, फ्रूट्स। हेलो सर फ्रूट्स ले लो फ्रूट्स। अबे यार ये तो चला गया। और भाई यहाँ से कोई गाड़ी आ रही क्या? आ जा भाई फटाफट से फ्रूट्स बेचने, मुझे भाई बहुत सारे पैसे जो कमाने भाई, मजा आने वाला है यार। जब यार गाइस मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे ना भाई, एकदम मस्त वाली सुपर कार लेकर घूमूंगा भाई लॉस सेंटर्स के अंदर। बट यार पहले तो इनको फ्रूट्स बेचता हूँ। हेलो सर फ्रूट्स खरीदोगे? नहीं खरीदने? अच्छा ठीक है भाई जैसी तुम्हारी मर्जी। भाई पता नहीं यार लोगों को क्या हो गया गाइस, यार मैंने आपको बोल तो दिया कि भाई बहुत सारे लोग आकर खरीदते हैं, बट यार आपके सामने तो भाई मेरी बेइज्जती हुई जा रही है यार, कोई भी नहीं आ रहा फ्रूट्स खरीदने के लिए। अब यार क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। चलो भाई जो होगा सो होगा, इंतजार करके देखते हैं, अगर किसी को चाहिए होगा तो खुद से ही आ जाएंगे फ्रूट्स खरीदने के लिए। तब तक भाई इंतजार ही करते सिंचन का आने का। चलो यार आज तो मजा ही आ गया फ्रूट्स बेच कर। गाइस आपको पता है अभी यार मैं बहुत सारे फ्रूट्स की डिलीवरी करने गया था, वहां पर जैसे मैं गया वहां पर उन लोगों ने देखा कि यार एक छोटा सा बच्चा फ्रूट्स डिलीवर करने के लिए आया, तो यार उन्होंने कहा कि यार 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि यार गाइस मैं इतनी जो मेहनत कर रहा हूँ। और यार ऊपर से गाइस यार मैंने पूरे 1000 रुपए के फ्रूट बेच दिए, अगर मैं फैंकी भैया को ये बता दूंगा तो यार वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे भाई, मजा आने वाला है। आज रात को तो मस्त तरीके से रेस्टोरेंट के अंदर चलेंगे खाना खाने के लिए। चलो चलो लेट्स गो। एक सेकंड ये क्या फैंकी भैया आ गए फ्रूट्स बेच कर? चलो यार जाकर उनको पड़ाचे बता तो देता हूँ भाई सब 1000 रुपए के फ्रूट्स बेच कर आया मैं। अरे वाह भाई सिंचन तो आ ही गया फाइनली। चल एक काम करते भाई एक वाटरमेलन निकाल कर खाते हैं। अरे नहीं नहीं फैंकी भाई वाटरमेलन, चलो अब यार एक काम करते सीधा चलते बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। क्यों भाई रेस्टोरेंट में क्यों, और उसके पैसे कहाँ से आएंगे? दरअसल फैंकी भाई अभी मैं पूरे 1000 रुपए के फ्रूट्स बेच कर आया हूँ। क्या बात कर रहा है भाई 1000 रुपए के फ्रूट्स, वो भी एक ही बार में? बिल्कुल यार फैंकी भाई वही तो बोल रहा हूँ। और यार साथ ही साथ आपको बताया उन्होंने यार मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे। अरे वाह भाई ये तो बढ़िया बात है, वो उसके तो चॉकलेट खा लियो, बट यार वो 1000 रुपए मुझे दे दे, बाद में मुझे फ्रूट्स भी लाने तो पड़ेंगे। हाँ ये लो यार ये पकड़ो 1000 रुपए। अरे वाह भाई सिंचन क्या बढ़िया काम किया यार तूने तो भाई, 1000 रुपए के फ्रूट्स बेच दिए तूने तो। हाँ फैंकी भाई अब मैं इतना भी खास नहीं, बट यार हमें कभी जाना है रेस्टोरेंट में खाना खा ली वो तो बताओ। एक काम करते भाई सिंचन, दिन भर अभी फ्रूट्स बेचते और भी बहुत सारे पैसे कमाते हैं, उसके बाद में भाई एक काम करेंगे शाम को चलेंगे मस्त तरीके से खाना खाने के लिए। अच्छा ठीक है जैसे तुम कहो। यार जल्दी 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 भागो यार, जल्दी भागना पड़ेगा
अगर यार उस लॉस गैंग के हाथों में ये अंडा पड़ गया तब तो यार बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और यार वो लोग इस अंडे का इस्तेमाल करके बहुत दामिर बन जाएंगे। बट यार ये मैं होने नहीं देना चाहता, इसलिए यार फटाफट से यहाँ से भागना पड़ेगा। एक सेकंड, अरे यार ये गाड़ी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही। एक सेकंड ये क्या हो रहा है? अरे एक सेकंड भाई ये कौन सी आवाज है अपने घर के सामने? एक सेकंड भाई ये क्या हो गया भाई? यहाँ पर तो एक्सीडेंट हो गया। अरे हाँ फैंकी भाई, यहाँ पर तो सच में एकदम खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया। जरा देखो यार वो इंसान ठीक तो है ना? अरे बिल्कुल भाई, वही देखने के लिए आऊ। पता नहीं गाइजर यहाँ पर हो क्या गया है। और अरे एक सेकंड भाई, ये कार तो बड़ी महंगी लगती है। ये देखो गाइजर, ये तो रॉयल्स यार। बट यार इसका एक्सीडेंट हो कैसे सकता है यार? अब भाई यार वो सब छोड़ो भाई, पहले तो मुझे उस इंसान को बाहर निकालने दो जिसको चोट लगी होगी। पता नहीं भाई उसको कितना लगा होगा यार। हेलो अंकल, आप ठीक तो? मुझे बचा लो, नहीं तो यार वो अंडा। अरे कौन सा अंडा? अरे वो कार के पीछे। अरे एक सेकंड देखने तो अंकल जरा मुझे। अरे हाँ गाइजर यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देख अंडा रखा हुआ है। बट अरे कितना ज्यादा पड़ा है और ये कुछ अजीब टाइप का नहीं दिख रहा? अरे यार फेंक भाई अंडे को, छोड़ो यार पहले ना अंकल को देखो। अरे हाँ हाँ भाई बिल्कुल यार। अरे अंकल आप ठीक तो है ना? नहीं मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अरे हाँ हाँ अंकल चलो ले चलता हूँ। बट यार कैसे ले चलूंगा, आपकी कार का तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। अरे वो अरे लगता है गाइजर ये अंकल तो बेहोश हो गए। अब यार मैं क्या करूँ, अंकल को कैसे ले चलूंगा? एक सेकंड भाई, यहाँ पर शर्मा जी की गाड़ी है ना? अब हाँ भाई ये देखो, ये रही शर्मा जी की गाड़ी, इसी के ऊपर रखता है इनको। और भाई फटाफट से ले चलता हॉस्पिटल के अंदर, पता नहीं भाई कौन सी दिक्कत होने वाली है। बट यार ये इतने ज्यादा ओवर स्पीडिंग क्यों कर रहे थे इतने छोटे से मोहल्ले के अंदर? अब यार इनकी उम्र भी हो चुकी है यार, ये बुढ़े लोग भी ना गाइजर कुछ भी करते रहते हैं। कोई बात नहीं यार वो सब छोड़ो। सिंचन भाई तू यहाँ पर आया, मेरी मदद कर इनको उठाने में। अरे यार फेंकी भाई मैं अपनी दुकान को छोड़ के नहीं आऊंगा, तुम ही कर लो। अबे यार ये सिंचन मीना, रुको गाइजर मैं इनको उठाकर रखता हूँ कार के ऊपर। अबे बट यार कैसे उठाऊंगा? एक सेकंड भाई ये गाड़ी कहाँ चली गई? अबे चोरी हो गई। अबे वो देखो भाई एक बंदा लेकर भाग गया। अबे यार सिंचन तू देख नहीं सकता? अरे वो मेरा ध्यान ही नहीं था, तू चुप बैठ भाई। यार ये सिंचन मीना गाइजर पता नहीं कैसे कैसे हरकतें करता है भाई। मेरे पीठ पीछे से एक बंदा गाड़ी चुरा कर लेकर गया। वैसे तो यार मैंने भी वो गाड़ी चुराई थी, बट यार फिलहाल के लिए छोड़ो गाइज, अपना पिकअप उठाते हैं और इसी के अंदर इनको रखते हैं। और भाई फटाफट से चलते हैं फिर अंकल को हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के लिए। लेट्स गो, अंकल को उठा दो अभी फटाफट से। चलो भाई पड़ाट से मैंने अंकल को रख दिया अपने कार के अंदर। वैसे गाइस यार तुम लोग देखो यार वो कैसे लटके पड़े कार के अंदर। बट यार छोड़ो गाइस पड़ाट से ले चलते हैं। बट यार एक सेकंड भाई, वो अंडे का क्या करना यार? अरे हाँ फैंकी भाई जरा मुझे बता दो इस अंडे का करना क्या है। एक सेकंड भाई सिंचन एक काम करता है, इस अंडे को पहले तो मैं अपने घर के अंदर छुपा देता हूँ। आई थिंक यार वो कोई कीमती चीज होगी। अब हाँ भाई कल भाई तुमने बिल्कुल सही कहा, एक काम कर दियो, वो अंडे को घर के अंदर छुपा दे। बिल्कुल भाई अभी छुपाता हूँ, पहले तो भाई इसको उठाने दो यार। चलो भाई लेट्स गो, अंडे को तो मैंने उठा लिया बट यार इसको रखूंगा कहाँ पर? अरे एक काम करो इसको छुपा दो कहीं पे। अरे अंकल आप ठीक हो क्या? अरे नहीं मेरे सर में चोट लगी है। बट यार इस अंडे को कहीं तो छुपा दो यार, ताकि यार लॉस गैंग इस तक पहुंच ना सके। क्या कहा लॉस गैंग? अरे हाँ लॉस गैंग। अरे ये क्या, ये तो वापिस से बेहोश हो गए। छोड़ो यार गाइस कोई बात नहीं, इन्होंने कहा कि भाई साहब लॉस गैंग से छुपाना है, तो एक काम करता हूं भाई साहब इस अंडे को अपने घर के अंदर छुपा देता हूँ। बट यार लॉस गैंग से क्यों छुपाना यार? और भला लॉस गैंग अंडे के पीछे क्यों पड़ेगी? अबे पता नहीं ये लॉस गैंग कुछ भी करते रहते आजकल भाई, इनके पास कोई काम नहीं तो भाई किसी बुढ़े इंसान के पीछे पड़ गए। अबे यार ये लोग भी ना। बट यार उसको छुपाऊंगा कहाँ पर? एक काम करता भाई यहाँ पर छुपा दूं। अबे चल भाई यहाँ पर छुपाई देता, वैसे भी किसका ध्यान जाने वाला यहाँ पे। चलो भाई अंडा तो रख दिया, अब यार उन अंकल को फटाफट से मुझे हॉस्पिटल के अंदर ले जाना पड़ेगा। दरअसल गाइस यार दो बार वो अंकल होश में आए थे और दोनों बार भाई होश में आकर थोड़ा सा बात करके वापस ही बेहोश हो गए। मतलब यार उनके सर में बड़ी तगड़ी वाली चोट आई होगी। बट यार इतनी महंगी कार होकर इतना खतरनाक एक्सीडेंट, अबे यार ये तो इम्पॉसिबल है यार। यार कोई बात नहीं गाइस, ले चलते इनको फटाफट से हॉस्पिटल में और जाकर देखते भाई इनका इलाज कैसे करना है अभी। आई होप कि भाई अंकल बच जाए, क्योंकि गाइस यार अभी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इनको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए वो मेरी सक्सेसफुल तो रहेगी, नहीं तो यार वहां पर ले जाऊंगा और भाई ये मरे हुए में निकले दो। हाँ यार इसलिए गाइस एक काम करते फटाफट से अपने इस पिकअप को भगा दूं और ले चलता इनको लॉस एंजेलिस के सबसे बड़े हॉस्पिटल में। वैसे भी यार देखने से ऐसा लगता है ये अंकल भाई बहुत ज्यादा रिच है। हाँ भाई हो तो सकता है। खैर मुझे क्या करना है भाई, मुझे तो बस इनको बचाना है और भाई इनकी मदद करनी है। वैसे भी यार गाइस अगर ये बच गए और इन्होंने मुझे कुछ इनाम इनाम दिया तो अरे हाँ हाँ भाई ये तो हो सकता है। छोड़ो गाइस चलते हैं से लॉस एंजेलिस के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, लेट्स गो। मुझे एक बात अच्छे से बताओ, तुमने उसको कहाँ पर जाते वक्त देखा था? अरे बॉस इसके सामने वाला जो मोहल्ला है ना उसी के अंदर वो इंसान घुसा था, ये ऑरेंज कलर की रॉयल्स रॉयल्स को लेकर। अच्छा यहाँ पे? बिल्कुल बॉस यही पे। अच्छा ठीक है, बस अभी वो मुझे मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिला ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं नहीं बॉस मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा था। बट यार वो यहाँ तक आया, इसके बाद में गायब हो गया वो। अच्छा ठीक है,
चलो एक काम करते हैं, सभी मिलकर उसको ढूंढते हैं यहाँ पर। आई थिंक यही कहीं पे छुपा होगा वो। अरे एक सेकंड भाई, ये क्या है? यहाँ पर तो वही रॉयल्स रॉयल्स है ना जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं। अरे बिल्कुल बॉस, ये तो वही रॉयल्स रॉयल्स है, ये तो ऑरेंज कलर की है ना। अरे बिल्कुल ऑरेंज कलर की है, बट यार ये यहाँ पर पेड़ के ऊपर ठुकी हुई क्यों है? अरे बॉस एक काम करते हैं, यहाँ पर आसपास में देखते हैं, मुझे लगता है यही कहीं पे छुपा होगा। लगता है उसके रॉयल्स रॉयल्स का यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुआ होगा। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुमने सही कहा। बट यार वो अंडा अंडा तो पीछे ही रखा था ना गाड़ी के। अरे बिल्कुल बॉस, डिक्की के अंदर रखा हुआ था। तो ये क्या यार, इसकी ट्रंक तो ओपन है और यहाँ पर कोई अंडा है नहीं। अरे बॉस लगता है अंडा लेकर भाग गया वो। अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करते चारों तरफ फैल जाओ और यहाँ पर ढूंढना चालू कर दो। मुझे लगता है वो बुड्ढा इंसान यही कहीं पे पड़ा होगा। अच्छा ठीक है बॉस, चलो आप भी लग जाओ काम पे, हम भी लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी यार यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर छुपा गया वो बुड्ढा। अबे वो बुड्ढे कहाँ पर है तू? यहाँ पर पेड़ के अंदर है क्या? नहीं नहीं यहाँ पर भी नहीं है। तो कहाँ गया यार ये बुड्ढा? यार इसकी उम्र होने के बाद भी इतने तेज भाग सकता है ये? अरे बॉस एक काम करते हैं, यहाँ पर नीचे देखो एक फ्रूट स्टॉल है, लगता है उसने कुछ देखा होगा यहाँ पर एक्सीडेंट होते वक्त। अरे हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं, आओ जाकर इनसे पूछते हैं, क्या पता इन्हें पता उस बुड्ढे के बारे में। चलो 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 लेट्स गो। और यार तुम लोग रह कहाँ गए? पड़ा से आओ यार मेरे पीछे पीछे, अगर मुझे किसी ने पकड़ लिया तो। अरे बॉस आप फिकर मत करो, हम तीनों ने मिलकर AK-47 लाई अपने हाथों में। अच्छा ठीक है आओ पड़ा से। अरे वो बच्चे मुझे एक बात बता, यहाँ पर तू कब से खड़ा है? अंकल मैं तो यहाँ पर सुबह से खड़ा हूँ, बताओ तो आपको कौन से फ्रूट चाहिए? अरे बच्चे मुझे कोई भी फ्रूट नहीं चाहिए, मुझे एक बात बता, यहाँ पर अभी ये जो सामने ऑरेंज वाले रॉयल्स रॉयल्स का एक्सीडेंट हुआ ये कब हुआ है? ये तो बस अभी 5 मिनट पहले हुआ है। क्या कहा 5 मिनट पहले? तो मुझे लगता है तूने सब कुछ देखा होगा। अरे हाँ अंकल देखा, तो क्या हुआ जरा बताओगे मुझे? वैसे आप हो कौन मुझे वो तो बताओ पहले। हम लोग लॉस गैंग से, लॉस गैंग से। क्या 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 कहा लॉस गैंग? नहीं नहीं अंकल मैंने तो नहीं देखा एक्सीडेंट होते वक्त। क्या कहा आप तो बोल रहा नहीं देखा, पहले तो तूने कहा तूने देखा है सब कुछ। अरे नहीं नहीं वो तो बस मैं ऐसे सभी को पागल बना रहा था, मैं तो सुबह से खुद ही सोच रहा हूँ यहाँ पर ये रॉयल्स रॉयल्स आई कहाँ से। अरे बच्चे सच सच बता, मुझे अभी तेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, मुझे लगता है वो अंडे को तूने ही छुपाया। क्या 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 कहा वो अंडा? यार मुझे नहीं पता किसी भी अंडे के बारे में। अबा भाई क्या हुआ, मुझसे बात करो, छोटे बच्चे से क्या बात कर रहे हो? अरे कौन बोला ये डॉगी? अबा बिल्कुल भाई मैं बोल रहा, बोलो क्या हो गया? डॉगी मुझे अभी एक बात बता, यहाँ पर ये जो रॉयल्स रॉयल्स का एक्सीडेंट हुआ है उसके अंदर एक बुड्ढा इंसान था, वो कहाँ पर गया? अबा वो तो यार थोड़ी देर पहले यहाँ से चला गया। क्या कहा चला गया? वैसे यार तुम लोग ढूंढ क्या रहे हो उसको? अरे तुझे क्या करना है, तो मुझे एक बात बता, उसके हाथ में कोई अंडा था? अंडा अंडा तो था यार उसके हाथ में, कोई चमकीला सा अंडा था। अरे बिल्कुल बिल्कुल वही अंडा, मुझे एक बात बताओ कहाँ पर गया वो? अबा वो तो यार यहाँ से सीधा नीचे गया, नीचे से लेफ्ट मारा, वापिस से सीधा सीधा गया, वहां से राइट मार के नीचे भाग गया वो। अरे तुझे इतना सब कुछ कैसे पता? अबा वो तो मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था उसको देखने के लिए, उसका अंडा बड़ा बढ़िया लग रहा था देखने में। अच्छा ऐसी बात है, तो लगता है वो बुड्ढा यहाँ से कहीं ज्यादा दूर नहीं गया है। अरे बिल्कुल बॉस आपने सही कहा, बट यार बॉस मेरी बात सुनो, मुझे इन दोनों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। अरे बिल्कुल यार तुमने सही कहा। अरे भाई चंपू तू एक काम कर, तू बस यहाँ पर रुके रहे, हम तीनों मिलकर जाकर आते हैं, जाकर ढूंढ लेते उस बुड्ढे को। अच्छा ठीक है बॉस, मैं यहाँ पर रुककर इनके ऊपर नजर रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आओ फटाफट से चलो, बाकी मोंटू चोंटू जाकर अभी ढूंढना पड़ेगा उस बुड्ढे इंसान को। आई होप कि वो हमें मिल जाए अभी के अभी। अरे हाँ बॉस आपने बिल्कुल सही कहा, चलो चलो। अरे बिल्कुल यार चलो लेट्स गो, निकलते यहाँ से फटाफट से और जाकर ढूंढते उस बुड्ढे को। साला आज तो हमारी बातों से बचने नहीं वाला ये। अरे डॉक्टर जी जरा मुझे बताओगे इनका करना क्या अभी? अरे मुझे ऐसा लगता है हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा सर का। क्या का ऑपरेशन यार, इतनी बड़ी चोट लगी क्या इनको? अरे बिल्कुल यार, जो इनका ब्रेन है वहां तक चोट गई है, अब ऐसा लगता है वहां तक हमें पूरा ऑपरेशन करके सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। अबे यार तब तो तगड़ा खर्चा आएगा। अरे हाँ हाँ वो तो आएगा, बट यार तुम ज्यादा फिकर मत करो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बच पाएंगे। क्या का बच पाएंगे यार, एक तो तुम बोल रहे हो ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, और भाई ऐसे भी बोल रहे हो कि ये बचेंगे नहीं। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक हम लोग इनका ऑपरेशन करने जाएंगे उससे पहले इनकी मौत हो सकती है। अरे पर ऐसा क्यों यार, इनको बचा लो ना। अरे हाँ वो तो हम लोग ट्राई करेंगे ही, वैसे तुम फिकर मत करो, आगे जो होगा हम तुम्हें कॉल करके बता देंगे फ्रैंकलिन। ठीक है सर, यार भाई जो भी करना अच्छा ही करना। छोड़ो यार गाइस, मैंने अंकल को हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा दिया है, बट यार तुम लोगों ने देखा डॉक्टर ने क्या कहा? भाई साहब इनका बचना इम्पॉसिबल है। अबे यार ये डॉक्टर कैसी कैसी बातें करते, मेरे दिमाग से ऊपर जाती है यार। क्या छोड़ो भाई, जो होगा सो देखा जाएगा। यहाँ से अभी पड़ा घर पे चलते हैं, और भाई घर पे जाकर उस अंडे का करना क्या वो देखते हैं। वैसे तो यार अंकल ने मुझे अभी तक बताया नहीं उस अंडे का करना क्या है। क्या यार भाई जो होगा सो देखा जाएगा, बट यार गाइस आई होप कि यार वो अंकल ठीक हो जाए और यार वो खुद से अगर अपने अंडे को ले जाए, नहीं तो भाई वो इतना बड़ा अंडा हमारे घर के अंदर रह जाएगा। और क्या पता भाई, देखने से तो ऐसा लगता है वो अंडा लिटरली भाई किसी डायनासोर वायनासोर का अंडा है। क्या यार भाई जो होगा सो देखा जाएगा। एक काम करता गाइस, थोड़ा से चलता अपने घर पे और घर पे जाकर देखता भाई वो अंडा सही सलामत तो है ना, नहीं तो भाई क्या पता वो लॉस गैंग हमारे घर पे पहुंच जाए और भाई वो अंडा लेकर चले जाए। वैसे तो यार वो रॉयल्स रॉयल्स मेरे घर के सामने लगी हुई है, और यार गाइस आप लोग सोचो यार अगर वो लॉस गैंग वाले आए हमारे
हमारे मोहल्ले से, और वहाँ पर जाते जाते उन लोगों ने उस रॉस रॉस को देख लिया, तो तब तो गाइस दिक्कत होने वाली है। इसलिए गाइस मुझे पड़ा अपने पिकअप को भगाना होगा। एक सेकंड, अब यार क्रैश हो गई। अबे छोड़ो यार, छोटे मोटे क्रैश तो होते रहते हैं। बट यार पहले तो मुझे जाना अपने घर पे और जाकर देखना यार वांडा सही सलामत तो है ना। बट यार गाइस आप लोग भी चाहते हो वो अंकल सही सलामत से बच जाए, तो एक काम कर दो गाइस, अभी अभी वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार गाइस मैंने इतनी मेहनत की उनको हॉस्पिटल में लाने के लिए। इसी बात पे कर दे यार अभी वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब, और कमेंट के अंदर फ्रेंड पे जरूर लिखना। अभी एक काम करते गाइस, सीधा चलते अपने घर पे, लेट्स गो। बस गाइस अभी मैं पहुंचने वाला अपने घर पे, और घर पे जाकर बस मुझे देखना है सिंचन और चौप तो सही सलामत है ना। लेट्स गो भाई, एक अंकल की वजह से कितनी ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ रही है हमें। यार गाइस ये देखो पहुंच गए घर पे, और यार एक सेकंड भाई चौप को उड़ा दिया। अब भाई कल भाई तू क्या पागल हो गया क्या? वैसे भाई ये देख यार हमारे पास एक नया मेहमान आया। अरे कौन मेहमान भाई? और भाई तू पहले लेट आ क्यों है, उठ जा। अब नहीं भाई कल भाई, अब तो मैं लेटूंगा ही भाई, जब से खड़े खड़े होकर मेरे पैर दुखे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। बता भाई सिंचन कौन मेहमान आया? अरे ये देखो फैंकी भाई यहाँ पर मेरे बाजू में खड़े है। अच्छा ये भाई ये है कौन? और एक सेकंड भाई इसके हाथ में तो AK-47 है। अरे बिल्कुल बिल्कुल AK-47 है मेरे हाथों में। अभी मुझे एक बात बता, तुम अभी आए कहाँ से हो और तुम हो कौन? अरे भाई इस घर का और इस फ्रूट स्टॉल का मालिक हूँ मैं। और तू मुझे बता भाई तू कौन होता है मुझे पूछने वाला? और भाई तू मेरे फ्रूट स्टॉल के पास कर क्या रहा है? तुझे कोई फ्रूट चाहिए? अरे नहीं नहीं फ्रूट नहीं, मैं तो लॉस गैंग के लीडर का चेला हूँ चेला। अच्छा लॉस गैंग लीडर, मतलब यार गाइस देख रहे हो लॉस गैंग तो यहाँ पर पहुंच गई। गाइस यार मुझे जो शक हुआ था वही हुआ है यार, ये रॉयस रॉयस को मैंने ठिकाने लगा देना चाहिए था पहले ही। बट यार छोड़ो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं, इससे पूछता भाई पहले तो ये यहाँ पर कर क्या रहा है। अरे भाई मुझे एक बात बता भाई तू यहाँ पर कर क्या रहा है? अरे वो तो मेरे मालिक ने कहा है कि तुम्हारे पर नजर रखने के लिए, क्योंकि यार हमें तुम्हारे पास शक है कि यार अंडा तुम्हारे पास ही है। हैं हमारे पास? बिल्कुल बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही है कि अंडा तुम्हारे पास है। क्या बोलते हो घर में जाकर तलाशी ले लूं? अबे जा भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर जाने के लिए? और निकल भाई यहाँ से, मेरे पास कोई अंडा वंडा नहीं है। और तू कौन से अंडे की बात कर रहे वो भी मुझे नहीं पता। अबे अब इतना भी शाना बनने की जरूरत मत करो, मुझे पता है अंडा तुम्हारे पास ही है। अबे जा भाई पागल मत बना। और तुम्हारा बॉस कहाँ पर यार, जरा उसको बोला मैं उससे बात करता हूँ। अरे मेरे बॉस तो उसको ढूंढने के लिए चले गए, वो आते ही हो गए। अगर इस डॉगी ने गलत रास्ता बताया होगा ना उसको तो छोड़ेंगे नहीं हम लोग। अबे क्या गलत रास्ता, क्या भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे दरअसल यार इस डॉगी ने देखा है इस रॉयस रॉयस का एक्सीडेंट हुआ कैसे है, और वो बुड्ढा जो है वो अंडे को लेकर भागा कहाँ पर है। उसने यार हमारे मालिक को बताया कि वो कहाँ पर है, तो मेरे मालिक उसको ढूंढने के लिए गए। अच्छा ऐसी बात है, लगता है गाइस यार चौप ने यार उनको गलत रास्ता बताया। भाई चौप तो एकदम तगड़ा दिमाग लगाता है यार, बट यार ये यहाँ पर कर क्या रहा है वो समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है गाइस यार इनको हमारे ऊपर अभी भी शक है कि गाइस यार वो अंडा हमारे पास हो सकता है। एक काम करूं गाइस यार, मैं भी कोई झूठी मूठी कहानी बनाऊं? अरे हाँ बना ही लेता हूँ। बट यार वैसे एक सेकंड भाई, ये किसका कॉल आ रहा है? अबे ये क्या भाई, ये तो वही डॉक्टर का कॉल है जहाँ पर मैं सुबह गया था। रुको भाई उठाकर देखता हूँ। अरे हाँ बोलो डॉक्टर जी, क्या हुआ? वो अंकल ठीक हो गए? अरे नहीं नहीं वो ठीक नहीं हुए, वो बस वापस से थोड़ी देर के लिए होश में आए थे, उसके बाद में यार वो वापस से मर गए। क्या बात कर रहे हो, वो मर गए? बिल्कुल यार, मैंने कहा था ना उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है। अरे हाँ वो तो आपने कहा था, बट यार मुझे बताओ तो सही उन्होंने कुछ कहा? अरे बिल्कुल यार, वही बताने के लिए कॉल किया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास उन्होंने कोई अंडा रखने के लिए दिया है। अरे हाँ बिल्कुल सर, उसका करना क्या है? उन्होंने कहा कि उस अंडे को एक लोकेशन को ले जाओ, वो लोकेशन तो उन्होंने मुझे बता दिया है, वो लोकेशन मैं तुम्हें तुम्हारे फोन के ऊपर सेंड कर दूंगा। अच्छा ठीक है सर, बट यार वहां पर जाकर करना क्या है? कुछ नहीं, वहां पर जाकर बस कुछ लोग मिलेंगे तुम्हें बंदर के मास्क में, उनको वांडा सौंप दो, उसके बाद में वो तुम्हें एक मशीन देंगे, उसका इस्तेमाल करके तुम जो चाहे मांग सकते हो वो सारी की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। अबे मुझे लगता है उनके सर के ऊपर असर हो गया है भाई, ऐसी कोई मशीन भी होती है? अरे वो सब मुझे नहीं पता, उन्होंने जितना कहा उतना करो। अच्छा ठीक है सर, चलो बाय। अरे बाय 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 यार गाइस, लोग देख रहे हो ये अंकल ने क्या का भाई साहब, मुझे इस अंडे के बदले कोई मशीन मिलने वाली है, उसका इस्तेमाल करके मैं जो चाहे मांग सकता हूँ। अबे यार वो तो जा सकता हूँ मैं, बट यार इस बंदे के सामने उस अंडे को घर के बाहर नहीं ला सकता मैं, तो यार अभी क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई इसको यहाँ से भेजने के लिए। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा यार। एक काम करूँ भाई, इसको बोल दूँ इसका बॉस अभी मुझे मिला था नीचे वाले मोहल्ले में, और उसने कहा कि तुझे भेजने के लिए। हाँ चलो मैं ऐसे बोल देता हूँ। अरे भाई मेरी बात सुन यार, मुझे अभी तेरा बॉस मिला था यहाँ पर नीचे। अरे क्या कहा, मेरे बॉस मिला है कहाँ पर? अरे यही नीचे वाले मोहल्ले में, उन्होंने कहा कि यार उन्होंने उस बुड्ढे इंसान को पकड़ लिया, यहाँ पर नीचे भाग रहा था अंडे को लेकर। अरे क्या बात कर रहा है, सच बोल रहा है? मिल गया? अरे बिल्कुल भाई मिल गया। अच्छा ऐसी बात है तो अभी चलता हूँ, बट अगर नहीं मिला होगा ना ये देखो गोलियां इसके अंदर सीधा उड़ा दूंगा। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई, जा जल्दी से, तेरा बॉस नीचे ही खड़ा है उसको लेकर। अच्छा ठीक है अभी जाता हूँ, चला चला लेट्स गो। फाइनली वो बुड्ढा इंसान मिल गया। ओ भाई फाइनली वो इंसान तो चला गया। सिंचन चौप भाई तुम दोनों एक काम करो, पड़ा से रेडी हो जाओ भाई, हमें यहाँ से जाना है। अरे कहाँ पर जाना है जरा बताओगे? अरे तुम लोग बस
रेडी रहो, मैं अभी आता हूँ। चलो गाइस एक काम करता हूँ, फटाफट से अंडे को लेकर आता हूँ और निकलता हूँ वहाँ पर लोकेशन के ऊपर जाने के लिए। वैसे तो यार उस डॉक्टर ने मुझे लोकेशन भेज दिया अपने फोन के ऊपर, बट पता नहीं यार वो लोकेशन यहाँ से बड़ी दूर है। क्या यार गाइस जो होगा सो देखा जाएगा। इस अंडे को फटाफट से अभी ले चलता हूँ ऊपर। चलो गाइस फाइनली यार मैंने अंडे को रख दिया कार के ऊपर और अभी यहाँ से फटाफट से निकलता है। अब भाई कल थोड़ा आराम से चलाइए भाई, गिर जाऊंगा मैं। अबे बिल्कुल भाई आराम से चलाऊंगा, बट पहले सिंचान को बैठने दे। हाँ चलो बैठ गया। तो चलो गाइस सिंचान मैं चॉप हम तीनों रेडी हो चुके हैं इस अंडे को ले जाने के लिए। बट भाई चॉप एक काम करियो, उस अंडे को पकड़ कर रखियो नहीं तो भाई गिर जाएगा, बड़ा कीमती अंडा है वो। अबे बट बता तो सही भाई कल भाई इस अंडे के अंदर है क्या? अरे वो तो भाई अभी वहीं पर जाकर पता चलेगा तुम्हें। अच्छा ठीक है भाई कल भाई थोड़ा आराम से चले। अच्छा ठीक है भाई कल भाई पर थोड़ा आराम से चलाइयो। अरे बिल्कुल भाई, बट यार ये जो रॉयल्स वॉयस है ये तो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है यार। पता नहीं भाई कैसे रॉयल्स वॉयस है, क्या यार जो होगा सो देखा जाएगा। बट यार वो जो लोकेशन है वो यहाँ से बड़ी दूर है यार, वहाँ पर जाने में गाइस हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलो गाइस वहीं पर जाकर देखते हैं भाई संडे के बदले हमें कौन सी मशीन मिलने वाली है। बट यार गाइस उससे पहले यार आपने अभी तक इस वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे गाइस कर दे यार अभी का वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब। अभी लोग चाहते हैं गाइस थोड़ा उस लोकेशन के ऊपर, लेट्स गो। अरे पेंकी भी और कितना दूर जाना है? अरे बस भाई सिंचान पहुंच गए, बस इस पहाड़ को चढ़ना है और यार यहाँ पर सामने दिखा रही वो लोकेशन। अब पर भाई कल भाई तुझे पक्का लगता है ना वहाँ पर हमें कोई मिलेगा? अरे बिल्कुल भाई मिलेंगे यार, तू फिक्र क्यों करता है। बस भाई यहाँ से सीधा सीधा जाना है और ऐसा दिखा रहा है कि हम लोग हमारे डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच गए। एक सेकंड भाई ये लोग कौन है? अरे यार पेंकी भाई ऐसा लगता है ये कोई बड़ी सी माफिया है। अरे हाँ लगता तो ऐसा ही है, बट ऐसा लगता है गाइस यार ये अंडा हमें इन्हीं को देना है। चलो भाई जाकर दे देता हूँ, बट यार पहले तो जाकर उनसे बात करता हूँ। हेलो सर ये अंडा मुझे आप ही को देना है क्या? अरे बिल्कुल बिल्कुल ये अंडा मुझे ही देना है, जाओ लेकर आओ उस अंडे को और उसके बदले ये ट्रिम मशीन ले जाओ। क्या कहा ट्रिम मशीन? अरे हाँ पहले अंडे को तो लेकर आओ। अच्छा ठीक है सर अभी लेकर आता हूँ। आओ गाइस फटाफट से अंडे को ले चलता हूँ, लेट्स गो। पता नहीं भाई कौन सी मशीन देने वाला है, कोई बात कर रहे थे ट्रिम मशीन की। क्या यार कोई बात नहीं भाई इस अंडे को ले चलता हूँ पहले। ये लो सर लेकर आ गया मैं अंडा। अरे अरे वाह यार तुम तो बढ़िया काम करते हो, कितने जल्दी लेकर आ गए तुम अंडे को। वैसे वो बुड्ढा इंसान आने वाला था ना? अरे हाँ हाँ सर उन्होंने मुझे भेजा इस अंडे को भेजने के लिए, उनका बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। अरे यार वो भी ना, क्या यार कोई बात नहीं ये पकड़ो मशीन। अच्छा दिखाओ सर कौन सी मशीन। ये लो ये कौन सी मशीन दे दी सर आपने मुझे? ये है ट्रिम मशीन, अब इसका इस्तेमाल करो और वहां पर माइक के अंदर जो चाहे बोल दो आप, तब यार तुम्हें वो सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अरे सर सच बताओ ना। अरे हाँ करके तो देखो। अच्छा ठीक है करके देखता हूँ, पता नहीं गाइस यार क्या मिलने वाला है। बट यार कुछ ऐसी चीज मांगता हूँ गाइस यार जो इम्पॉसिबल हो। हाँ एक काम करो यहाँ पर बहुत सारे पैसे मांग के देखो। ठीक है भाई मांग कर देखता हूँ। चलो भाई एक काम करो यहाँ पर अभी पड़ा बहुत सारे पैसे आ जाए। और लो यार पेंकी भाई यहाँ पर आ गए पैसे। अरे हाँ गाइस यार तुम लोग ये चेक करो, लिटरली यहाँ पर तो सच में पैसे आ गए यार। हाँ भाई ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा ना ये ट्रिम मशीन का कमाल है, इसका इस्तेमाल करो और कमा लो बहुत सारे पैसे। अरे हाँ गाइस यार यहाँ पर तो पैसे पैसे आ गए, वाह भैया मजा आ गया। ऐसे तो गाइस यार हम लोग महंगे वाली कार भी मांग सकते हैं। हाँ रुको भाई मांग कर देखता हूँ। चलो भाई काम करो यहाँ पर भी पड़ा से एकदम मस्त वाली सुपर कार आ जाए, वो भी गोल्ड की। और ये लो गाइस यहाँ पर आ गई गोल्ड की सुपर कार। अरे वाह भाई मजा आ गया। सिंचान भाई तुझे क्या लगता है अभी इसका इस्तेमाल करके हम लोग एक बड़ा सा घर भी खरीद सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल यार खरीद सकते हैं, बिल्कुल भाई अभी तो जाकर खरीदेंगे। अब तुम लोग देखो गाइस यार इस मशीन का इस्तेमाल करके मजे ही मजे आने वाले। एक सेकंड भाई ब्रेक लग जा। बट यार पेंकी भाई चौक तो पीछे ही रह गया, अब एक काम करेंगे बाद में उसको लेने के लिए आएंगे। बट यार पैर तो यहाँ से निकलते, लेट्स गो गाइस यार मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब यार तुम लोग देखो यार एक बड़ा सा मेंशन खरीदूंगा, वहां पर बहुत सारा गोल्ड डायमंड पैसा जो चाहिए सब कुछ होगा यार। भाई तुम्हारा भाई अभी लॉस सेंटर्स का बिलियनर जो बन चुका है भाई, मजा आएगा यार। यार गाइस कोई बात नहीं यार अभी एक काम करते हैं सीधा मिलते हैं भाई बड़ा सा मेंशन खरीद के, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस सिंचन और मैंने मिलकर खरीद लिया 1000 करोड़ रुपए का मेंशन। हाँ हाँ गाइस मुझे बता आपको भरोसा नहीं हो रहा, बट यार खरीद लिया यार। और यार साथ ही साथ ये देखो भाई यहाँ पर ढेर सारी सुपर कार है, इनको गाइस बाद में मैं गोल्ड की बनाऊंगा डायमंड की बनाऊंगा। बट यार उससे पहले ये चेक करो भाई यहाँ पर है ढेर सारा गोल्ड, भाई गोल्ड ही गोल्ड है। अब तो गाइस हम लोग देखो यार इतना सारा गोल्ड डायमंड पैसा बनाकर रखूंगा ना, अगर भाई मुझसे ये मशीन खो भी गई तब भी गाइस मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भाई मेरे पास होगा बहुत सारी गोल्ड डायमंड और पैसों की प्रॉपर्टी। तब तो गाइस यार मेरा गरीब होना इम्पॉसिबल है यार। बट यार उससे पहले गाइस सुन लो ये मेंशन देखो भाई कितना तो बड़ा है भाई, मजा आने वाला है इसके अंदर रहने के लिए। बट यार गाइस आप इस पूरे मेंशन का टूर देखना चाहते हो तो गाइस आपको देखनी पड़ेगी हमारे अगली वीडियो। तो चलो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, मैं और सिंचन मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।